Hello everyone, welcome to Bulwinder Live YouTube channel. Today we will discuss about CAPF paper 2015. हम इस session के अंदर math के properly question यहाँ पे discuss करने वाले हैं, और अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर बाकी के session जो है, जहाँ पर मैंने 2019, 2018 और 2017 and 2016 इनके already मैंने paper discuss कर दिया, आप उनको जाके मेरे description box में यहाँ पे check कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने math के question का proper solution आपको provide करवाया है CAPF paper के लिए. Clear? इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर आप मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, अगर आपको मेरी कोई भी अपडेटेड वीडियो को देखना है जहाँ जरूरी समझोगे, तो आप यहाँ पे जरूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल नेम इज बुलविंदर लाइव, ठीक है, और उसका भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि 2015 का पेपर भी एक मॉडरेट लेवल का पेपर पूछा गया था. अगर मैं बात करूं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एज कम्पेयर टू 2019 या 18, उनके पेपर इजी थे एज कम्पेयर टू 2015 थोड़ा इजी है, बट 2016 एक थोड़ा सा ट्रिकी पेपर है, तो उसको आपने जरूर देख लेना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसको आप जरूर देखें. यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है उसको थोड़ा सा आप ढंग से पढ़ें. टोटल नंबर यहाँ पर है 65 एम्प्लॉइज. क्लियर, एंड उसने पूछा है कि यहाँ पर बताओ जो आपके पास 301 से लेस वाले पर्सन, 301 से लेस वाले मतलब ये वाले नंबर नहीं चाहिए मुझे, नीचे वाले दो नहीं चाहिए, 301 से ऊपर वाले नंबर चाहिए. ठीक है, लेस नंबर तो ये होंगे. उसके बाद मोर देन 260, 260 से आगे वाले नंबर मतलब पहली लाइन भी नहीं चाहिए, 260 से आगे वाले 261 से चाहिए. तो कितने एम्प्लॉय होंगे, सभी को ऐड कर लो, 10, 16, 14, 10, सबको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आएंगे जो आपके पास 301 से नीचे 260 से ऊपर बैठे होंगे, वो नंबर ऑफ पर्सन आएंगे 50. कहां से आएंगे, इनको ऐड करने पर 10 और 16 कितने होंगे, 26, 26 और 14 को ऐड करोगे 40, 40 और 10 आपका 50, 50 नंबर आपके एम्प्लॉय होंगे जो इन दोनों के बीच होंगे. क्या पूछा हुआ है उसने, परसेंटेज पूछा है. परसेंटेज कैसे निकालते, जितने नंबर चाहिए डिवाइड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100. इसको आप कट करोगे, ये कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 10/13 आ जाएगा. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 1000 डिवाइड बाय 13. या तो आप इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करोगे, या तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका उत्तर बी ऑप्शन आएगा, या फिर आप इसको सीधा डायरेक्ट कर लेते कि यार 50/65 लिखा हुआ है तो मुझे पता है कि मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई ना करूं तो इसको मैं 10/30 लिख सकता हूँ. और याद कर लो, नीचे वाला नंबर आपके पास क्या होता है, हमेशा 100% होता है. ठीक है, अगर आपके पास 100% की वैल्यू 13 है तो चाहिए कितना, 10 नंबर चाहिए. तो 10 के लिए मुझे इतना पता है कि यार 10% की वैल्यू कितनी होगी, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप सिंपल चेक कर लो यहाँ पे, इसका 1.3 होगा. ठीक है, 10% और मतलब यहाँ पे 1.3 और, तो ये टोटल कितना हो गया मेरे पास, 2.6, और ये कितना हो गया, 20%. और अगर मैं यहाँ पर 13 में से 2.6 को माइनस कर दूं तो हमारे पास 10 point something आ जाएगा, मतलब जो होगा नंबर वो 80% के आसपास आएगा, 10 point something, मतलब 80 से थोड़ा सा कम करूंगा तो 10 आ जाएगा, 80 से थोड़ा कम करेंगे तो आपका ये उत्तर. ठीक है, इसी चीज को दोबारा से समझने की कोशिश आप कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आए. मैंने यहाँ पे सिर्फ 10/13 लिखा और इसको मान लिया कि ये 100% है. अगर मैं 100% से 1/4 कर दूं तो क्या 25% आएगा, इसका 1/4 कर लोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे, अगर मैं 1/4 करूंगा तो 3 point something. अगर इसमें से 13 में से मैं 3 point something यहाँ पे माइनस कर दूं तो आपके पास 10 point something आएगा, मतलब 1/4 का मतलब क्या होता है, 25% अगर मैं यहाँ पर 100 में से माइनस कर दूं तो 10 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब आपका उत्तर इसके आसपास होगा. ठीक है, ऐसे अंदाजे से भी किया जा सकता है, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इस क्वेश्चन के अंदर देखो उसने पूछा क्या हुआ है, यहाँ पे परसेंट ऑफ द एम्प्लॉय अर्निंग बिटवीन 261 एंड 300, 261 एंड 300 के बीच की अर्निंग की बात करें तो सिर्फ ये वाला डाटा होगा आपके पास, और सबको ऐड करोगे, अभी अभी मैंने ऐड भी किया था इन सबको, तो इनको ऐड करने के बाद कितना आया था, 50 आया था. ठीक है, और उसने आगे क्या पूछा हुआ है, एंड द एम्प्लॉय अर्निंग लेस देन 281 से लेस देन वाले कौन से होंगे, ये वाला आपके पास बॉक्स होगा ऊपर वाला नंबर, तो इन सबको आपने ऐड करना था. ठीक है, इन सबको ऐड करना था तो आपके पास 281 से लिए ये भी नंबर नहीं आएगा. ठीक है, ये भी नहीं आएगा, हमारे पास सिर्फ ऊपर वाला बॉक्स आएगा ना, 281 के लिए 280 से ऊपर, तो सभी को ऐड करो, 8 और 10 हमारे पास 18. ठीक है, 18 और 8 को ऐड करोगे 18, और यहाँ पे आपके पास था 16 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 34. तो मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आया 16, ये आपके पास कितनी परसेंटेज का होगा. अभी मैंने टोटल एम्प्लॉय दिखाए थे ना इस क्वेश्चन के अंदर, टोटल एम्प्लॉय कितने थे, 65, आप इसको ऐड करके भी कर सकते थे.
और आपकी 16 की उसने पूछी है परसेंटेज आउट ऑफ 65, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंट आएगा ना, जितने नंबर चाहिए डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंटेज आएगा। आप सिर्फ अप्रोक्सीमेशन में देखो ये 1/4 है या नहीं है, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं ना। यहाँ पे 1664 आपका 4 टाइम्स होता है तो 4 इससे कट करोगे तो 25% के आसपास आपका उत्तर होगा, 25% के आसपास एक ही ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, ये भी एक उसने डीआई से क्वेश्चन पूछा गया था, उसने पूछा व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन द स्टैंडर्ड 1 फ्रॉम ऑल द स्कूल, फ्रॉम यहाँ पर आपके 6 स्कूल है, स्टैंडर्ड ए के एवरेज पूछी है, तो ए की एवरेज के लिए क्या करोगे, सभी को ऐड कर लोगे, देखो 2 यहाँ पे है, 2 और 7 को ऐड करोगे, 2 एंड 5 को ऐड करोगे 7, 7 एंड यहाँ पे 8 को ऐड करोगे 15 एंड 1 6, तो 6 यहाँ पे आएगा, कैरी हमारे पास यहाँ पे 1 जाएगा, 1 एंड 4 5, 5 एंड 5 10, 10 एंड आपको इस पी को ऐड कर लो, ये 4 4 4 12, 10 एंड 12 कितने हो गए 22, 22 एंड 5 2 27, मैंने सिर्फ इनको ऐड किया, यहाँ पर निकल के आया मेरे पास यहाँ पे 276, और इसकी हमें क्या चाहिए यहाँ पे एवरेज। एवरेज का एक ही फॉर्मूला होता है, जब भी ऐसे रैंडमली नंबर होते हैं तो सम डिवाइड बाय नंबर, तो सम तो कर लिया, नंबर कितने 1 2 3 4 5 6, तो मुझे यहाँ से इसको 6 से डिवाइड करना था, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं 6 नंबर, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आपका उत्तर कितना आएगा 46, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके अंदर देखो व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो स्टूडेंट स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 3rd फ्रॉम स्कूल ए एंड बी, ए एंड बी ये रहा, थर्ड के अंदर देखोगे इन दोनों को ऐड कर लोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा 8 और 8 कितना हो गया आपके पास 6, 1 कैरी जाएगा तो कितना आएगा 106 रेशो। उसने पूछा यहाँ पे 6 के अंदर सी एंड डी, यहाँ पर आप देखो सीधा 6 और सी एंड डी वाले चेक कर लो, ये रहे, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 104, इनकी रेशियो पूछी है, 2 के टेबल पे कट करोगे तो उत्तर क्या आएगा 53:52, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चेक करेंगे, यहाँ पर ए बी सी हमारे पास 3 नंबर है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी सी। उसने बोल दिया यहाँ पर देयर इंडिपेंडेंट बिजनेस विद इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट आप कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर 100 ले लेता हूँ, 100 क्यों, क्योंकि मुझे 100 का परसेंटेज निकालना बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं ए का, यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हुआ, ए का यहाँ पे 100 का 10% 10 होगा, मैं इसके अंदर यहाँ पे 10 ऐड कर दूंगा तो इसका प्रॉफिट होने के बाद 110 नंबर हो जाएगा, और यहाँ पे बी का लॉस हुआ 10%, इसका यहाँ पे 10% 10 होगा, 10 माइनस करोगे तो इसके पास लॉस होने के बाद 90 वैल्यू बचेगी होगी इसकी बिजनेस में, और सी को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ 5% का, तो इसका 5% आपके पास 5 ही होगा, ठीक है, इसका प्रॉफिट होने के बाद 105 नंबर हो जाएगा इसका, क्लियर, कहानी क्लियर इतनी। उसके आगे उसने बोल दिया सेकंड ईयर के अंदर ए को 20% का लॉस हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 110 की बात करूं तो इसका 10% तो 11 होगा, और 20% कितना होगा 22, इसमें से 22 माइनस कर लोगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास 8, और यहाँ पे आपके पास आएगा 8, क्लियर। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे बी के बारे में, तो बी को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ फिर से 20% का प्रॉफिट इस वैल्यू के ऊपर होगा, ना कि इस वैल्यू के ऊपर, ठीक है। इसका 20% 90 का 20% निकालोगे 18 आएगा, बढ़ने के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी 108, और सी को 5% का प्रॉफिट और हो गया, तो इसका अगर मैं 5% निकालने की कोशिश करूंगा तो इसका देखो अगर मैं 10% निकालूंगा 10.5 आएगा, और 5% क्या होगा 5.25, तो इसके अंदर 5.25 ही ऐड करेंगे हम, तो यहाँ पर 5.25 ऐड करोगे तो ये बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 110.25, क्लियर है कहानी। और उसने क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा, इस बार ट्रू नहीं पूछा उसने, ठीक है। सी इज द रिचेस्ट, आप बताओ यहाँ पे सी रिचेस्ट है क्या, ये तो सही है स्टेटमेंट, गलत थोड़ी, ये तो सही दे रखी है, ठीक है। ए इज ए पुअरेस्ट, यार ए सबसे कमजोर है क्या, बिल्कुल ये भी आपकी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। बी इज द रिचेस्ट, बी सबसे रिचेस्ट होगा, नहीं भाई ये तुमने गलत दे दिया, सी रिचेस्ट है, तो यही आपका उत्तर है, सी इज रिचर देन बी, सी बी से बड़ा है, बिल्कुल ठीक है, 110 108 से बड़ा है, ये भी ठीक है, तो ये उसने फॉल्स पूछा हुआ था, तो फॉल्स ऑप्शन होगा 3, थर्ड ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं, जो कि 2015 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये चेक करना था यहाँ पर कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पासिंग है द होल एग्जामिनेशन लाइन, वो कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के यहाँ पर आपको देखो कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई मैक्सिमम ज्यादा डिफिकल्ट अप्रोच भी नहीं लगानी, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं ए बी और सी, अगर यहाँ पर आप देखो कि ए के पास बात करें तो ए के पास 20% फेल है, बी के पास यहाँ पर 22% फेल है, सी के पास यहाँ पे 16% फेल है, बट ये नहीं लिखा हुआ कि स्टूडेंट 20% स्टूडेंट फेल्ड ओनली इन ए। ओनली वर्ड जब नहीं यूज होगा ना तो यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, तो याद रखना ओनली ए का मतलब है सिर्फ ए में होगा, और यहाँ पे ओनली नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ए बी टी सी किसी में भी हो सकता है वो, ठीक है।
तो आप यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे दो कंडीशन होंगे, दो कंडीशन ये होंगे कि अगर मुझे पासिंग वाले मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, पासिंग वाले अगर मैक्सिमम चाहिए तो मुझे फेल्ड वाले क्या चाहिए होंगे, ये वाले फेल है ना, तो ये मुझे मिनिमम चाहिए होंगे, तभी तो मैक्सिमम बनेगा। तो यहां पर मिनिमम बनाने के लिए सबको ऐड थोड़ा किया रहेगा। मैं मान लेता हूं कि ये 20 वाला जो है, बी वाला है ना, 22% वाला यही फेल है टोटल, और इसी के अंदर सी वाले भी है, इसी के अंदर ए वाले भी है, क्योंकि मान लो यहाँ पे ए बी सी आपके पास तीन है, तो तीन आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, तो ऐसे 22 स्टूडेंट हैं, 22 में से 16 आपके इसी में से फेल्ड हो गए, और जो हमारे पास ये है उसके भी फेल हो गए, टोटल आपके 22% फेल हो गए। तो टोटल अगर बात करें, टोटल हमेशा स्टूडेंट 100% होते हैं 100 में से, ठीक है, 100% होते हैं, उसमें से अगर 22% स्टूडेंट जो है वो फेल हो चुके हैं तो पास कितने होंगे, 78 वाले होंगे, क्या हाँ या ना, समझ आई कहानी, ठीक है। तो ये वैल्यू मैक्सिमम आ गई। और दूसरी कहानी आपको यहाँ पर फिर से समझनी पड़ेगी कि ये आपका उत्तर होगा या फिर ये होगा, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। दूसरी कहानी यहाँ पर ये पता करनी पड़ेगी कि ए बी सी है, यहाँ पर मान लो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ए के अंदर 20% फेल हो गए, ठीक है, और ये ओनली ए में फेल हो गए, बी के अंदर ओनली बी के अंदर फेल हो गए, सी के अंदर ओनली सी के अंदर फेल हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन फेल्ड कितने हो गए, सबको ऐड करोगे तो 58% टोटल नंबर ऑफ पर्सन फेल हो गए। तो अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके 100 थे, 100 में से 58% फेल हो गए, तो पास कितने होंगे, 42% मिनिमम, तो ये आपका इसका उत्तर बनेगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा, इसके बीच ना बीच में कहीं ना कहीं नंबर होंगे, तो ये आपका सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता है, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। 65% स्टूडेंट इन ए क्लास लाइक कार्टून मूवी। देखो इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, टोटल आपके पास 100 नंबर होते हैं, ठीक है, 100% की बात करते हैं तो 100 नंबर, 1, 2, 3 अप टू 100 यहाँ पे 100, ठीक है, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन, क्लियर। और यहाँ पर उसके उन्होंने बोल दिया 65% है जो क्लास के अंदर लाइक कार्टून करते हैं, तो पहले मैं एक से लेकर यहाँ तक 65 नंबर लिख लेता हूँ जो कि सिर्फ कार्टून वाले हैं, ठीक है। अगर मैं 70 की बात करूँ, 70% लाइक हॉरर, तो मैं पहले एक से लेकर 70% लिख लेता हूँ कि हॉरर है। आगे वाले 75%, मतलब पहले एक से लेकर 75% तक वाले कौन है, यहाँ पे लाइक वॉर मूवी, ठीक है, जो लड़ाई वगैरह देखते हैं वॉर मूवी उनके ऊपर लाइक कर रहे हैं। तो उसने पूछा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग ऑल द थ्री ऑफ द मूवीज, ठीक है। आप सारे बच्चे मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे सीखने के बाद क्या आपको इतना समझ आएगा कि अगर हमने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन जो बच गए वो कितने, 35, इसमें नंबर ऑफ पर्सन कितने बच गए, 30, इसमें नंबर ऑफ पर्सन कितने बच गए, 25, क्लियर। तो हमेशा याद रखना, आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है, आप इसको 100 तक नंबर ही करोगे, तो यहाँ पर जो आप इसको ऐसे लिखो, मैंने यहाँ पर आपको स्टार्टिंग लगाया ना, आप इसको ऐसे लिखो 1 से लेके 65, और यहाँ पर आपके 1 से लेके 100 नंबर तो ऐसे ही है, तो दूसरे जो नंबर है ना 70 वाले वो पीछे से लिख लो कि 1 से लेके 70 तक, या फिर आगे से लिख लो, कोई इशू नहीं है, और जो आपके 75 वाले हैं वो यहाँ से लिखो या पीछे से लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो यहाँ तक है। तो आप खुद बताओ, यहाँ पर कोई ना कोई नंबर तो आएंगे ही आएंगे, और वो नंबर कितने आएंगे आपके पास, 10। कहाँ से पता चलेगा, याद रखना, जो आपके पास मिनिमम होगा और जो आपके पास मैक्सिमम होगा, इन दोनों का डिफरेंस ही वो उत्तर बन जाएगा, तो आपका उत्तर क्या आएगा, ऑटोमेटिकली 10 आएगा। क्लियर है कहानी, आई होप आपको कुछ को समझ आया होगा, कुछ को लगा होगा सर इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो ये डायरेक्ट ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करना जानते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक वेन डायग्राम गिवन था, यहाँ पर एच नहीं होगा, यहाँ पे बी होगा, ठीक है, यहाँ पर आपके पास वैल्यू होगी बी की, क्लियर। और उसने बोला, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम इन द नंबर एलिमेंट इन ए इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ए की तो वो 2a होगा, ठीक है, ट्वाइस होगा, दो गुना होगा किसका, बी का। तो आप इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे रेशियो में लिख लो कि ये ट्वाइस होगा इसके बी से। तो सबसे पहले आप बी की वैल्यू चेक कर लो, यहाँ पे ऐड कर लो सबको, बी की वैल्यू कितनी आएगी, सबको वर्बली ऐड करके देख लो या फिर यहाँ पे लिख के ऐड कर लो, 5 + 15 + 12 + 32, क्लियर। सबको ऐड करके देखो तो आपके पास बी की वैल्यू आएगी यहाँ पे 64, और यहाँ पर आपके पास बी की वैल्यू 1 है, इट मीन यहाँ पे 64 आई है, तो 1 की वैल्यू 64 होगी, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 128, इसका डबल, मतलब ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, 128 होंगे। और यहाँ पर ए के पास है कितने पर्सन, ए के पास जो पर्सन है 128 होंगे, और ए बना किससे किससे ऐड करने के बाद है, तो इसके अंदर एक्स भी आएगा, इसके अंदर 5 आएगा, इसके अंदर 12 आएगा, इसके अंदर 18 आएगा, तो ए की वैल्यू मैंने उठा के रख दी। अब यहाँ पर जब इसको ऐड करोगे, यहाँ पर इनको ऐड करने के बाद आप इसमें से माइनस करोगे, तो एक्स माइनस आएगा, एक्स इज इक्वल टू 128 - 35, क्लियर। इनको ऐड करके 35 आ रहा है, और इनको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 93 डी होगी, इट मीन ये आपका इसका उत्तर है, क्लियर कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक और हमारे पास यहाँ पे, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 आर देयर विच आर नॉट विजिबल बाय एनी ऑफ 2, 3, 5,
देखो यहां पर इस क्वेश्चन को एनी ऑफ 2, 3, 5 ओके विच आर डिविजिबल बाय, ठीक है। अब सिंपल यहां पर इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। यहां पर आपके पास अगर मैं बोल दू हाउ मेनी नंबर आर फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है एक को कंसीडर करेंगे और थाउजेंड को कंसीडर करेंगे। अगर फ्रॉम की जगह में यहाँ पे लिखा होता बिटवीन तो मतलब होगा एक को कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो आपके नंबर होते हैं 998। क्लियर? तो कंफ्यूज मत होना, फ्रॉम लिखा है तो वन को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अगर वन से लेकर थाउजेंड देखेंगे तो थाउजेंड नंबर ऑफ पीपल्स होंगी होंगे, ठीक है, थाउजेंड तो होंगे होंगे नंबर। इसमें से मुझे जो है वो दो के डिविजिबल वाले नंबर नहीं चाहिए, तो दो के डिविजिबल कितने होंगे, थाउजेंड में से अगर मैं दो से डिवाइड कर दूं तो इतने नंबर दो के डिविजिबल होंगे। मुझे तीन वाले भी नहीं चाहिए तो मुझे थाउजेंड डिवाइड बाय थ्री करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे फाइव वाले भी नहीं चाहिए तो थाउजेंड डिवाइड बाय फाइव भी करना पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों को अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं तो मेरे पास नंबर बच जाएंगे, बट यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, इसमें से कुछ नंबर और भी माइनस करने पड़ेंगे। माइनस थाउजेंड डिवाइड बाय टू एंड थ्री का कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल छह आएगा। एक्चुअली इसको माइनस नहीं, इसको प्लस करना पड़ेगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्यों होगा, बट अभी थोड़ा समझ के चलें कि इनको प्लस करना पड़ेगा। प्लस फिर टू एंड फाइव को चेक करोगे, टू एंड फाइव क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे टेन, तो टेन के मल्टीपल मुझे यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे क्योंकि वो दो दो बार काउंट हो गया, मुझे सिर्फ एक बार चाहिए। तो थाउजेंड डिवाइड बाई टेन प्लस फाइव एंड थ्री कितना हो गया, फिफ्टीन थाउजेंड डिवाइड बाई फिफ्टीन, ठीक है। तो यहाँ पर आप सारे बच्चे समझ के चलना, अगर मैंने दो वाले, सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, टू वाले, टू वाले नंबर कौन से होंगे, टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व ऐसे नंबर होंगे, ठीक है। इनको चेक करोगे ना कट करके, 500 नंबर होंगे, 500 नंबर आपके पास ऐसे होंगे। और अगर मैं तीन की बात करूंगा तो तीन वाले कौन से होंगे, तीन वालों को यार ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, बट वो तो दो में भी काउंट हो गया, तीन में भी काउंट हो गया, तो गड़बड़ हो रही है। तो यहां पर जब मैंने देखा ये दो और तीन का कंबाइन मल्टीपल है, तो ये नंबर दो दो बार अपने माइनस थोड़ा करने हैं, एक बार यहाँ पे भी कर रहे हैं, एक बार यहाँ पे भी, तो गड़बड़ होगी, इसलिए मुझे एक बार इनको ऐड करना पड़ेगा, इसको छह के मल्टीपल को, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 10 की बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पर देखो 1000 की बात करें, 1000 के अंदर 5 वाले कौन कौन होंगे, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा। जब मैंने इनको माइनस यहाँ पे कर दिया है तो बार बार माइनस थोड़ा करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने देखा 15 जो है, 15 आपका इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो इनको दो बार नहीं एक बार करना है ना, तो एक बार मुझे ऐड अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई करके चेक कर लेना, आपका उत्तर क्या आएगा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे द एज ऑफ ए इज ट्वाइस द एज ऑफ ए एस, मतलब ई जो है एस से दो गुना है, मतलब अगर ये एक्स होगा तो ये आपके पास टू एक्स होगा, ठीक है। दो गुना अगर ये दस होगा, ये बीस होगा, तो यहाँ पे ट्वाइस लिख दिया। टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन देयर एज, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सफिशियंट, ठीक है। अब ध्यान रखना सिंपल, आफ्टर फाइव ईयर अगर मैं यहां पर आपको नहीं पता तो मैं इसको लिख लेता हूं ई और एस को, ये 2:1 होगा। आफ्टर फाइव ईयर 9:5 होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर फाइव ईयर इतना होगा, और इसके अंदर प्रॉब्लम और एज लगाने के बाद आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता, यहाँ पे एक्स एक्स लिखो और इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2x/1x, क्योंकि ये आपके रेशियो है तो रेशियो में फ्रैक्शन लिखी जा सकती है। प्लस यहाँ पे 5 साल बढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ पे 5 साल बढ़ाए जा रहे हैं, आफ्टर फाइव ईयर 9/5 रेशियो आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 10x, 9xx, यहाँ पर आएगा 25, 45, तो एक्स की वैल्यू आएगी 20। हमने x को 20 माना था तो यहाँ पर उसने इन दोनों का डिफरेंस पूछा, डिफरेंस क्या होगा, एक x होगा ना यहाँ पे, तो x की वैल्यू 20 होगी, आपका उत्तर आ जाएगा। क्या हम इससे उत्तर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे ही मैं इसको भी अप्लाई करूंगा तो इससे भी उत्तर हो जाएगा। दोनों कंडीशनों से आपका उत्तर जो है वहां पे किया जा सकता है, इट मीन इधर फर्स्ट और इधर सेकेंड, दोनों में से कोई भी यूज करो, उत्तर आपका डिफरेंस का आ जाएगा। कहानी समझ आ रही है सबको, आई होप सबको ये वाला क्वेश्चन समझ आ चुका होगा।